तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज आ गई है, जहाँ पर ये कॉइन अब फिर से टॉप 5 में से किसी भी एक एक्सचेंज में लिस्ट होता दिखाई दे सकता है। कौन सा ये एक्सचेंज है, किस एक्सचेंज में ये कॉइन लिस्ट होने वाला है, इसका अभी तक हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि कोई भी अपडेट हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है इन लोगों ने, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पर टॉप 5 एक्सचेंजेस में से किसी एक एक्सचेंज में यहाँ पर ये कॉइन लिस्ट होता दिखाई दे सकता है, वो भी नेक्स्ट वीक। इस समय गेस किया जाए तो यहाँ पर कई सारे गेसेस और कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बिटफिनिक्स एक्सचेंज में ये कॉइन लिस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टॉप 5 एक्सचेंजेस की जहाँ तक बात की जाए तो बाइनेंस कॉइनबेस एक्सचेंज, क्रैकेन, कुकॉइन और बिटफिनिक्स एक्सचेंजेस का नाम शामिल है टॉप 5 एक्सचेंजेस में। और यहाँ पर बाइनेंस और कॉइनबेस एक्सचेंज में इस कॉइन की इस समय लिस्टिंग होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर कुकॉइन और बिटफिनिक्स जैसे एक्सचेंजेस का नाम गैस किया जा रहा है, जिसमें इस समय बेबी डॉज कॉइन लिस्ट होता दिखाई दे सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितना ज्यादा और इम्पैक्ट हमें इसकी लिस्टिंग के कारण इसके प्राइस में देखने को मिलेगा, क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें देखने को और मिल सकती है, और इस लिस्टिंग का कितना ज्यादा इम्पैक्ट हमें बेबी डॉज के प्राइस पर और बेबी डॉज के इकोसिस्टम पर देखने को मिलने वाला है। तो इन सारी बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वहां पर भी हम इस तरह की अपडेट्स देते रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट, और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। बेबी डॉज कॉइन रिसेंटली काफी ज्यादा ट्रेंड पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्विटर पर ये कॉइन ट्रेंड होता दिखाई दे रहा है, और क्लियरली यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन से रिलेटेड काफी सारी न्यूज है जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली इस कॉइन ने 23 नहीं, यहाँ पर आप कॉइन मार्केट कैप में रिसेंट अपडेट्स पर देखें तो 24.60% का ग्रोथ पिछले 24 आवर्स के अंदर दिखा दिया है। वहीं पर आप देख सकते हैं एक डिजिट से एक कॉइन इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, 1 की सीरीज पर चल रहा था कुछ दिनों पहले तक, लेकिन इस समय 2 की सीरीज पर आप देख सकते हैं वापस से आ चुका है। दूसरी तरफ अगर हम इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 103.28% का ग्रोथ इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में पिछले 24 आवर्स के अंदर देखने को मिला है, जहाँ पर इसका मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 24% से इंक्रीज हो चुका है। इसी के साथ में यहाँ पर जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज है वो यही है कि ये कॉइन हमें टॉप 5 एक्सचेंजेस में से किसी भी एक एक्सचेंज में लिस्ट होता दिखाई देने वाला है। अब वो कौन सा एक्सचेंज है ये कोई नहीं जानता, लेकिन काफी सारे गेसेस ये कह रहे हैं कि क्रैकेन, कुकॉइन और बिटफिनिक्स एक्सचेंज ये तीनों एक्सचेंजेस में से किसी भी एक एक्सचेंज में लिस्ट होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि बायबिट एक्सचेंज में रिसेंटली ये कॉइन लिस्ट हुआ, जहां पर टॉप 5 एक्सचेंज में बायबिट एक्सचेंज का भी नाम शामिल था, वहीं पर बायबिट में ये पहले ही लिस्ट हो चुका है। तो अब सवाल ये है कि कौन से एक्सचेंज में ये कॉइन लिस्ट होता दिखाई देने वाला है। क्रैकेन एक्सचेंज ने रिसेंटली 10th of April को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अपनी कम्युनिटी से पूछा था कि विच क्रिप्टो करेंसी हैज द बेस्ट कम्युनिटी, और वहां पर काफी सारे वोट्स यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन से रिलेटेड आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे लोगों ने बेबी डॉज कॉइन का नाम यहाँ पर सजेस्ट किया था, और इस ट्वीट को रीट्वीट करके यहाँ पर बेबी डॉज ने एक क्लियर हिंट दे दिया है कि हो सकता है क्रैकेन एक्सचेंज में ये कॉइन लिस्ट होता दिखाई दे। इसी के साथ में यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम इसकी वीकली रिपोर्ट पर ध्यान दें तो काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों के अंदर, यहाँ पर डेप कॉइन और बायबिट एक्सचेंज में ये कॉइन लिस्ट होता दिखाई दिया। इसी के साथ में 204 quadrillion कॉइन्स इस समय पूरी तरह से बर्न हो चुकी है, जिनकी वर्थ ऑलमोस्ट $491 million थी। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर बर्न पोर्टल की, तो पिछले महीने यहाँ पर 35 trillion कॉइन्स की यहाँ पर बर्निंग हमें देखने को मिली थी, और इस महीने आप देख सकते हैं 52 trillion कॉइन्स बर्न किए जा चुके हैं। वहीं पर अगर हम फॉलोवर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.88 फॉलोवर्स इसके ट्विटर पर पूरे हो चुके हैं, साथ ही में काफी सारी पार्टनरशिप्स और यहाँ पर अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। अभी सिलसिला अगर बेबी डॉज कॉइन ने शुरू कर दिया है तो यहाँ पर ये रुकने का नाम नहीं लेने वाला है, क्योंकि क्लियरली ये कॉइन टॉप 5 एक्सचेंज में से पहले ही बायबिट एक्सचेंज में लिस्ट हो चुका है, और यहाँ पर क्रैकेन, कॉइनबेस, बाइनेंस, बिटफिनिक्स और कुकॉइन जैसे एक्सचेंजेस में ये कॉइन कभी भी लिस्ट होता दिखाई दे सकता है। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर लिस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो यूबी ग्लोबल, पोलोनिक्स एक्सचेंज, बायबिट एक्सचेंज, गेट आईओ, OKX, एल बैंक, MEXC और ऐसे कई सारे बड़े बड़े एक्सचेंजेस में ये कॉइन पहले से यहाँ पर लिस्ट हो चुका है, और यहाँ पर सजेशंस तो यही है कि ये कॉइन जल्द से जल्द हमें बाइनेंस में लिस्ट होता दिखाई दे, लेकिन इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई काफी ज्यादा है और इतने जल्दी यहाँ पर बाइनेंस इस कॉइन को लिस्ट नहीं करने वाला है। लेकिन यहाँ पर अच्छी न्यूज ये है कि टॉप 5 एक्सचेंज में से कोई भी एक एक्सचेंज इस कॉइन को लिस्ट करता नजर आ सकता है आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। तो यहाँ पर ये न्यूज कभी भी हमें देखने को मिल सकती है, और उसी समय
हमें यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन में एक और बड़ा पंप हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर 24% से ये कॉइन 50% पर भी जंप करता दिखाई दे सकता है। यहाँ पर अगर हम इसके 3 महीने के ग्राफ की तरफ ध्यान दें तो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को यानी कि केवल 15 दिन पहले बायबिट एक्सचेंज में लिस्ट होने की यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई थी, जहाँ पर केवल 6 घंटे के अंदर हमें ये कॉइन बायबिट एक्सचेंज में लिस्ट होता दिखाई दिया था अनाउंसमेंट के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उस समय भी ऑलमोस्ट 15 से 16% का ग्रोथ इसके प्राइस में हमें देखने को मिला था, और वहां से इस कॉइन ने स्टेबिलिटी मेंटेन करके उसी प्राइस को यहाँ पर अचीव करने की पूरी कोशिश की है इस बेरिश मार्केट में। वहीं पर इस समय भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर यहाँ से एक्सपोर्ट्स का कहना है कि और ज्यादा प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हाँ एक स्टेबिलिटी जरूर मेंटेन की जा सकती है जहां पर ये कॉइन इसी तरह की ग्रोथ दिखाता नजर आए। वहीं पर कई सारे एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर ये कॉइन हमें कॉइन बेस एक्सचेंज में लिस्ट होता दिखाई देगा तो यहाँ पर बहुत बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉइन बेस एक्सचेंज एक छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है, बहुत बड़ा एक्सचेंज है, और यहाँ पर इतने बड़े एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद ये कॉइन शांत नहीं बैठने वाला है, ना ही कम्युनिटी शांत बैठेगी और ना ही होल्डर्स। तो इस समय जिन भी लोगों ने यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करके रखा है, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल ही गया होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये कॉइन सबसे बेस्ट है। अगले 2 से 3 सालों के अंदर हमें बाइनेंस में भी लिस्ट होता दिखाई देगा और उस समय भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं। बुल रन आने में हो सकता है अभी समय लगे, लेकिन यहाँ पर ये कॉइन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको जल्द से जल्द अच्छे खासे प्रॉफिट जरूर देगा। तो ये थी हमारी आज की अपडेट बेबी डॉज कॉइन से रिलेटेड। होप आपको इस वीडियो ने बेबी डॉज से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दी होगी, अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वहां पर भी हम इस तरह की अपडेट्स देते रहते हैं।